बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर से जुड़े एक बढ़िया आईपीओ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के बारे में, किस किस्म की प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, साथ में कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे, कैसा परफॉर्मेंस करता है कंपनी, क्वार्टरली रिजल्ट, फाइनेंशियल ईयर वाइज, साथ में आईपीओ का डिटेल, क्या इसका वैल्यूएशन रखा गया आईपीओ पे, सब कुछ हम डिटेल जानेंगे। साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी कितना चल रहा है जिसके ऊपर बेस करके आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और फाइनली क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों एक बहुत शानदार मेनलाइन आईपीओ जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक से बाजार में ओपन होने जा रहा है। तो कंपनी का नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। कंपनी मेनली डिफेंस सेक्टर की जो मशीन्स है वो मैन्युफैक्चर करता है। सपोज एचएल की बात करें, एचएल क्या मैन्युफैक्चर करता है, ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट हो गया, आपके हेलीकॉप्टर हो गया। तो ये जो सारे प्रोडक्ट है ना, इसको बनाने के लिए जो मशीन्स है, खास करके सीएनसी मशीन, अच्छा जिनको मालूम नहीं है सीएनसी मशीन मतलब क्या, ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल मशीन्स, यानी एक टाइप का बोल सकते हैं, एक होता है आपका फिजिकल मशीन जिसको आपको खुद ऑपरेट करना पड़ता है, और एक होता है आपका कंप्यूटराइज्ड मशीन जिसको आपको कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल मशीन जिसको आप कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट कर सकते हो। कंपनी के पास मतलब मैं बोलूँगा बहुत सारे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसरो हो गया, ब्रह्मोस एरोस्पेस हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, टर्किश एरोस्पेस हो गया, यूनिपार्ट इंडिया हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम। तो ये सारे जो कंपनीज है ना, ये कंपनी की एक टाइप का कस्टमर्स है, मतलब ये सारे जो कंपनीज के अंदर ये जो सीएनसी मशीन यानी जो न्यूमेरिकल मशीन यूज़ होता है वो बेसिकली ये कंपनी का ही है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूँ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे ज्योति ऐसे नाम दिखेगा। तो अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके इस टाइप की सारी जो मशीन्स की फोटोज़ भी दिख जाएगा, या आप मेनू बार ओपन करोगे तो यहाँ पे ये सारे जो मशीन्स का नाम है अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे दिख जाएगा। कुछ मुझे समझ आया, कुछ मुझे समझ नहीं आया, आप चाहे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके विजिट करके देख सकते हो। तो मेनली अगर हम बात करें, बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर आज की डेट में जिसका डिमांड है, खास करके गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट है। जैसे कि मैं अक्सर इसके पहले भी कहा था कि जो सारी कंपनीज़ मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर करता है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा। तो चलो ठीक है, कंपनी की प्रोडक्ट तो हमें समझ आ गया, कंपनी पर्टिकुलरली कौन सी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं वो अभी हमें समझ आ गया। अब देखिए कंपनी की बैलेंस शीट है वो भी हेल्थी होना चाहिए, मतलब बैलेंस शीट में अच्छा ग्रोथ होना चाहिए, अच्छी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देता है हर एक फाइनेंशियल ईयर पे। तो फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें, यानी आज से लगभग 2 साल पहले कंपनी के टोटल रेवेन्यू आया था 580 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें थोड़ा इंक्रीज हुआ, 746 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें और इंक्रीज हुआ, 929 करोड़ रुपए। और करेंट फाइनेंशियल ईयर 24 की फर्स्ट हाफ मतलब H1 फर्स्ट हाफ में दो क्वार्टर मिला के टोटल 509 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी ओवरऑल बात करें देखा जाए कंपनी के रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो क्या कंपनी प्रॉफिट भी उतना जनरेट किया, तो जी नहीं। कंपनी एक टाइम पे हमने देखा था कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंसेस मतलब खर्चा काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण कंपनी को काफ़ी नुकसान भी हुआ। जैसे कि फाइनेंशियल 21 पे कंपनी को टोटल 70 करोड़ का लॉस हुआ था, फाइनेंशियल 22 में ये लॉस थोड़ा रिड्यूस हुआ, कम हुआ 48 करोड़। फिर देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुका जो कि बेस्ट पार्ट है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी 15 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। फाइनेंशियल 24 की फर्स्ट हाफ की बात करें दो क्वार्टर मिला के कंपनी टोटल 3.35 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्जिन की बात करें एक टाइम पे नेगेटिव में था, ऑब्वियसली कंपनी का लॉस हुआ था, ऑलमोस्ट नेगेटिव में था मतलब -12% के आसपास कंपनी का मार्जिन था, फिर धीरे धीरे नेगेटिव रिड्यूस हुआ। आज की डेट में कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो चुका, बट स्टिल कंपनी के मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं है। यानी बैलेंस शीट को आप एकदम एक क्लास तो आप बोल नहीं सकते, बट हाँ एक ठीक ठाक है इस टाइप का इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली ग्रोथ मेंटेन किया और आई थिंक कि बहुत जल्दी कंपनी और भी प्रॉफिट जनरेट करेगा। अब चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस आईपीओ में जो भी सारे शेयर इशू किया उसका वैल्यूएशन क्या है। और लिटरली दोस्तों मैं वैल्यूएशन देख के मैं खुद ही शॉक्ड हो गया, और आई थिंक कि आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सीधा सीधा नीचे वैल्यूएशन वाला पार्ट में लेके चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात हम बात करेंगे ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। फाइनेंशियल 21 पर ऑब्वियसली कंपनी का लॉस हुआ था, तो यहाँ पे नेगेटिव में ही रहेगा। 22 में और लॉस कम हुआ, जिस वजह से थोड़ा नेगेटिव साइड से कम हो रहा है। फाइनेंशियल 23 की बात करें कंपनी की जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में आ चुका है 1.02। और इस आईपीओ में जो अपर प्राइस बैंड एंड लोअर प्राइस बैंड रखा गया उसका पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे, लोअर प्राइस बैंड का जो पी रेशियो है 308, समझ सकते हो ना 308, मतलब अदानी को भी टक्कर दे देगा। अपर प्राइस बैंड की पी रेशियो है 324 पॉइंट समथिंग, वो तो हम साइड में रखेंगे, बट ओवरऑल फिगर की बात करें 308 लोअर प्राइस बैंड का आपकी पी रेशियो, अपर प्राइस बैंड का 324, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये सारी चीज़ हो रहा है।
आरओएनडब्ल्यू की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल 21 पे 22 में नेगेटिव पे था, जिस पे से यहाँ पे भी नेगेटिव दिख रहा है, फाइनेंशियल 23 के अकॉर्डिंग 18 समथिंग। आरओसी की बात करें, ठीक है चलो ठीक है, पॉजिटिव में है ग्रोथ भी, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन पे यहाँ पे इसको ऑफर किया जाना चाहिए मार्केट में, ठीक है। बारे एबिटा मार्जिन की बात करें, यहाँ पे भी ग्रोथ आपको दिख जाएगा, बट और एक मुझे जो नेगेटिव चीज़ लगा वह इसकी डेट पर इक्विटी रेशियो, कंपनी को डेट तो है और बहुत ज़्यादा ही है, जिस पैसे आप देख सकते हो एक टाइम पे फाइनेंशियल 21 पे डेट पर इक्विटी का रेशियो था 6.44, वो देखिए बढ़ के 19.25 पे हो चुका है, और हाल फिलहाल में थोड़ा कम जरूर हुआ बट स्टिल बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। 10.17 की डेट पर इक्विटी रेशियो मतलब बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे अगर आप देखोगे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में मैं अदानी ग्रुप की बात लिया था अभी, तो अदानी पावर की या अदानी ग्रीन की भी अगर हम बात करें, वहाँ पे आपको 1 point something, जैसे कि अदानी पावर की बात करें 1.6 के आसपास आपको डेट पर इक्विटी रेशियो दिख जाएगा, और यहाँ की बात करें टोटल 10, ठीक है 10.17, ये इतना ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि इसका वैल्यूएशन बहुत, मतलब बहुत बोलना गलत होगा, सुपर एक्सपेंसिव है यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है मार्केट को। क्लियर दोस्तों हो चुका है, आप चलिए थोड़ा सा आईपीओस की डिटेल चर्चा कर लेते हैं, पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो आईपीओ 9 तारीख से बाजार में ओपन होगा, यानी मंगलवार से मेन लाइन आईपीओ है, तो तीन दिन बाजार में ओपन रहेगा, 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख मतलब 9th 10th और 11th इस आईपीओ में अप्लाई करने का लास्ट डेट है। फेस वैल्यू की बात करें, 2 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10 रुपये नहीं दिया, 2 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर यहाँ पे इशू किया। प्राइस बैंड ऑब्वियसली इसका जो लोअर प्राइस बैंड है और अपर प्राइस बैंड है, इसमें वैल्यूएशन इतना एक्सपेंसिव, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइस बैंड रखा है 315 से लेकर 331 रुपये, मतलब इसके बीच में कोई भी प्राइस को पकड़ के आप चाहते हो इसमें बिडिंग कर सकते हो। लॉट साइज की बात करें 45, मतलब आप अगर इसमें एक लॉट अप्लाई करते हो तो उनके लिए टोटल आपको 45 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यही इसका मिनिमम ऑर्डर लॉट भी है, 2 लॉट के लिए इंटू 2 मतलब 90, 3 लॉट के लिए इंटू 3, इसी रेशियो में बेसिकली आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। टोटल आईपीओ की साइज की बात करें, 1000 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें कंप्लीटली फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड किया जाएगा, मतलब कंपनी की प्रोमोटर्स जो है कोई भी स्टेक अपना सेल नहीं करेगा भाया ओएफएस, कंप्लीटली फ्रेश इक्विटी शेयर ही इशू किया जाएगा। एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे एक खास डिस्काउंट रखा है 15 रुपये का, तो अच्छी बात है, जिन सारे एम्प्लॉयज़ को अलॉटमेंट मिलेगा उनको 15 रुपये का छूट मिलेगा। इशू टाइप की बात करें, बुक बिल इशू टाइप आईपीओ, जब ये बाजार में लिस्ट होगा बीएससी एनएससी दोनों ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा। उसके बाद जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा खराब चीज़ है, क्योंकि क्यूआईबी के लिए सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ स्टेक ऑफर किया जा रहा है 75%, और रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऑफर किया जा रहा है, एचएनआई के लिए टोटल 15% शेयर एलोकेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैं एलोकेशन समझा दिया, अभी हम बात करेंगे थोड़ा डेट, मतलब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। आईपीओ बाजार में ओपन होगा 9 तारीख को मंगलवार ट्यूसडे के दिन, आईपीओ क्लोज होगा 11 तारीख यानी बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन आपको झटझट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब थर्सडे के दिन क्लोजिंग है, नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन ही अलॉटमेंट रिजल्ट आउट हो जाएगा, मतलब आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिलेगा नेक्स्ट डे मालूम पड़ जाएगा 12 तारीख को, और जो आपका रिफंड है 15 तारीख के भीतर आ जाएगा। ये आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा आपके 16 तारीख, अच्छा बीच में यहाँ पे मतलब सेम डे पे 15 तारीख को जो शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक की मंगलवार के दिन, एक मंगलवार पे ओपन होगा, दूसरे मंगलवार पे बाजार में लिस्ट होगा। अच्छा जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलूँगा, कोशिश कीजिए कि शाम के 5 बजे के पहले ही आपके पास जो मैंडेट आएगा उसको अप्रूव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेडलाइन दी है 5 बजे के पहले ही। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मिनिमम से 1 लॉट करना ही पड़ेगा, 45 क्वांटिटी का शेयर टोटल आपका जो पैसा लगेगा 1 लॉट के लिए 14,895 रुपये। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्स टू मैक्स 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 13 लॉट के लिए टोटल 585 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, उनके लिए टोटल 1,93,635 रुपये लगेगा, ठीक है। बाकी बात कर देखिए कंपनी की, प्रमोटर के पास आज टोटल 72.66% की स्टेक है, तो उसके बाद जब बाजार में लिस्ट होगा बाकी दिखा जाएगा। चलिए ये तो सारे डिटेल हमने चेकआउट कर लिया, अब बात करेंगे अल्टीमेटली प्रीमियम कितना चल रहा है, क्योंकि जिसके ऊपर बेस करके आपको अच्छा लिस्टिंग मिल सकता है, ठीक है। तो आइए देख लेते इसका प्रीमियम, तो फिलहाल अभी तो ज़्यादा आईपीओ एक्टिव नहीं है, बहुत सारे आईपीओ आगे ओपन होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ, इसका प्रीमियम लास्ट डे जब अपडेट हुआ था उस टाइम के अकॉर्डिंग 22.96% के आसपास चल रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए नियर अबाउट 23% के आसपास, ठीक है। तो मतलब एक मिनिमम प्रीमियम के साथ ट्रेड करें ग्रे मार्केट, और इसके पीछे भी एक ठोस वजह है। आप देखिए कंपनी इतने अच्छी सेक्टर्स हैं, डिफेंस सेक्टर की जो मशीन्स वगैरह हैं वो मैन्युफैक्चर करता है, बड़े बड़े कंपनी के साथ कंपनी का पार्टनरशिप है, बड़े बड़े कंपनी जो कि इसरो जैसे, ठीक है, और भी बहुत सारे टाटा जैसे कंपनी के साथ इसका कस्टमर्स हैं। तो उसके बावजूद भी कंपनी की प्रीमियम उतना खास नहीं चलने के पीछे रीज़न यह है कि कंपनी बहुत ही महंगा रेट में इसको ऑफर किया जा रहा है, और देखिए मार्केट फुद्दू नहीं है, मार्केट को बुद्धू बनाना
आसान नहीं है, मार्केट को सब कुछ मालूम है, ठीक है। आज की डेट में खास करके आप अगर गूगल में सर्च करोगे आपको ए टू जेड डिटेल मिल जाएगा। तो जिस वजह से मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज को प्राइस बैंड सेट करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी वैल्यूएशन पे या कौन सी वैल्यूएशन को बेस करके हम ऑफर कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको डे वन और डे टू इग्नोर करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले डे वन और डे टू चेक कर लीजिए कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, साथ साथ कि आपको जीएमपी के अंदर कोई भी बदलाव हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है। अगर जीएमपी मिनिमम 30% या उसके ऊपर रहता है, मैं आपको बोलूँगा आप चाहे तो लिस्टिंग एंड परपस अप्लाई कर सकते हो, बाकी आप चाहे तो बाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मिलने नहीं पियो एक दो शेयर जो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा आपको कि डे थ्री के एंड पे अप्लाई करना, पहले आप रिस्पॉन्स देख लीजिए डे वन डे टू का, और प्रीमियम मिनिमम आपको 30% होना ही चाहिए जो कि आज के रेट में ऑलमोस्ट 23% के आसपास है, ठीक है। अगर 30% क्रॉस किया मैं आपको बोलूँगा आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, एक मिनिमम लिस्टिंग आपको मिल सकता है। बाकी दोस्तों खुद अच्छे से स्टडी करना, इसके ऊपर अच्छे से एनालाइज करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना ना करना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट थ्रू बताने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ।